दोस्तों डिजिटल मैप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों रिचार्ज महंगा होने के बाद आपने बीएसएनएल का सिम ले लिया है, यूज कर रहे हो या आपने पोर्ट करवा लिया है, लेकिन दिक्कत यहां आ रहा है कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है सही से, या आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं आ रही है ना। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि ध्यान से देखना कि मेरे मोबाइल के अंदर ना तो 3G चल रहा है, ना तो 4G चल रहा है, ना तो 4G प्लस यहां पर आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जो कुछ ऐसे हिडन खुफिया सेटिंग बताऊंगा, अगर आप ये सभी सेटिंग आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो ना, तो बीएसएनएल सिम के अंदर भी आप जियो एयरटेल के अंदर जो इंटरनेट स्पीड मिलता है ना, तो सेम आप बीएसएनएल के अंदर भी इतना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा ना, जो आप खुद देख करके बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा आप अपने मोबाइल के अंदर करना होगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक को ऑल पे सेट करना, कमेंट के अंदर जो ना बीएसएनएल नेट लिखना काफी जरूरी है। इतना छोटा सा काम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो, मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूं, तो यहां पर देख सकते हो यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो यहां पर 3G चल रहा है, ना तो 4G चल रहा है, ना तो 4G प्लस आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। तो मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। तो जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाओगे, क्योंकि मैं भी बीएसएनएल का सिम कार्ड ही यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे सेटिंग के अंदर आ गया। आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहां पे नीचे स्क्रॉल रन करोगे ना, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, कनेक्शन मिल जाएगा। तो कनेक्शन सेटिंग के अंदर आपको आना पड़ेगा। तो जैसे आप कनेक्शन सेटिंग के अंदर आ जाओगे, आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहां पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, मोबाइल नेटवर्क। जैसे कि आप देख रहे हो, तो मोबाइल नेटवर्क पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करते हैं, क्या गलती कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल के अंदर जो ना यहां पे आपको डेटा जो रोमिंग होता ना ये बंद होता है, लेकिन आपको बीएसएनएल सिम कार्ड के अंदर ऑन करना काफी जरूरी है। आप बीएसएनएल के अंदर आप रोमिंग में हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बीएसएनएल के अंदर जो ना आपको डेटा रोमिंग ऑन करना काफी जरूरी है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर बंद होगा। तो ये सेटिंग आपको ऑन कर देना होगा। तो जैसे आप ये सेटिंग को ऑन कर देते हो ना, ऑन करने के बाद आपको दूसरा सेटिंग करने के लिए आप नीचे में देखोगे एक्सेस पॉइंट नेम होगा। जैसे कि आप ध्यान से देखना, एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करोगे ना सेटिंग पे, जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों बीएसएनएल का जो एक्सेस पॉइंट नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे सिम कार्ड लगाओगे ना ऑटोमेटिक यहां पे आ जाता है। और जैसे ऑटोमेटिक आएगा ना बाय डिफॉल्ट, तो यहां पे ना तो 3G चलेगा, ना तो यहां पे 4G, ना 4G प्लस चलेगा। तो आपको ऐसे में क्या करना होगा कि इस एक्सेस पॉइंट नेम को एडिट करना होगा, कुछ सेटिंग को चेंज करना होगा, जो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप काफी सारा नेम के अंदर भी कुछ भी छेड़ नहीं करना है, यहां पर आपको एपीएन के अंदर भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रॉक्सी में, पोर्ट में, यूजर नेम के अंदर भी आपको जो ना लिखना पड़ेगा। तो यूजर नेम में क्या लिखना पड़ेगा तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे ऑलरेडी हमने लिख करके रखा है, तो यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड बॉट डॉट रैपिड और नेट लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर जो देख रहे हैं ना यहां पे कैपिटल लेटर है, बी भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है, और नेट के अंदर जो ना एन भी कैपिटल है, बाकी स्मॉल लेटर। आप ध्यान से देख रहे हैं यहां पर, जैसे कि वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। तो मैंने जो लिखा है यूजर नेम के अंदर वो लिख करके ओके पे क्लिक कर देना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे जाओगे ना, तो यहां पे सर्वर मिलेगा। तो सर्वर के अंदर कुछ भी होगा नहीं होगा, तो यहां पे क्या लिखना होगा, आपको www लिखना होगा, google.com, www, तीन बार w लिखना होगा, और यहां पे .google, गूगल, और यहां पे .com लिख देना होगा। जैसे कि आप देख, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, स्मॉल लेटर में www.google.com आपको सर्वर के अंदर आपको डालना पड़ेगा, और यहां पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। दैट्स इट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहां पे एपीएन प्रोटोकॉल को भी छेड़छाड़ नहीं करना, यहां पे एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल को भी आपको कुछ भी नहीं करना। आपको नीचे जाओगे ना, तो यहां पे आपको बैरियर होगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बैरियर होगा, इस पर क्लिक करोगे ना तो ऊपर वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट होगा। तो इसको क्या करना होगा, यहां पे हटा करके LT पे आपको सिलेक्ट करना काफी जरूरी है। तो जैसे आप LT पे सिलेक्ट करोगे ना, तो LT पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये जो 3 डॉट देख रहे हैं ना, 3 डॉट पे क्लिक करके आपको जो ना इस एक्सेस पॉइंट नेम को सेव करना होगा। तो चलिए यहां पे मैं सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद यहां पे सिलेक्ट नहीं है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा, मैंने बॉक्स पे टिक लगा दिया। जैसे टिक लगाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल आपको करना क्या होगा, यहां पे सिंपल आपको बैक कर देना होगा। बैक करने के बाद दोस्तों आपको एक और सेटिंग को यहां पे बदलना होगा, चेंज करना होगा, एक्सेस पॉइंट नेम के ऊपर में
में आपको देखोगे नेटवर्क मोड होगा। जी हाँ, आपको नेटवर्क मोड को आपको बदलना होगा, चेंज करना होगा, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। तो कैसे आप नेटवर्क मोड को चेंज कर पाएंगे, कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो बस आपको नेटवर्क मोड पे आपको क्लिक करोगे। जैसे ही नेटवर्क मोड पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा 3G 2G ऑटो, यहाँ पे लिखा हुआ आपने ये सिलेक्ट किया होगा, लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ, LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट लिखा हुआ है। तो LTE का मतलब क्या हुआ, 4G हुआ, 4G प्लस हुआ। तो आपको LTE पे आपको सिलेक्ट करना काफी जरूरी है। जैसे ही आप LTE पे सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे इंटरनेट जो नेटवर्क होगा वो बंद होगा। जैसे बंद होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 4G का यहाँ पे आ चुका। जैसे कि आप ध्यान से देखना, यहाँ पे 4G यहाँ पे आ चुका। और जब यहाँ पे 4G आएगा ना, इतना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा BSNL सिम कार्ड के अंदर, जैसे कि जस्ट लाइक जियो का हो गया, एयरटेल का होगा, सेम उसी तरह से आपको जो ना BSNL के अंदर भी इंटरनेट स्पीड मिलने लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो 100% वर्किंग है। जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, सेटिंग आपके मोबाइल के अंदर करना काफी जरूरी है। ये सेटिंग करने के बाद एक और आपको सेटिंग करना होगा, जो आप BSNL सिम कार्ड के अंदर हाई स्पीड में आप इंटरनेट चला सकते हो। हाई स्पीड वाला सेटिंग में आपको बता देता हूं। तो जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाओगे, जाने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे अबाउट फोन मिलेगा। तो अबाउट फोन सेटिंग के अंदर जाओगे, जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रीसेट होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट के नीचे में रीस्टार्ट होगा। जैसे रीस्टार्ट इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको डोंट वरी, आपको टेंशन लेना नहीं है, मोबाइल को जो ना रीस्टार्ट नहीं करने वाला, मोबाइल को फॉरगेट करने वाला नहीं हूं। तो आपको करना होगा नेटवर्क को आपको रीस्टार्ट करना होगा, नेटवर्क का जो सेटिंग है ना वो आपको जो ना यहाँ पे रीस्टार्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे रीसेट, यहाँ पे क्या लिखा, रीसेट यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग, जी हाँ यहाँ पे लिखा हुआ रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग्स होगा, इस पे आपको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे में देखोगे कि मोबाइल का जो सेटिंग है नेटवर्क ना वो रीसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, पैटर्न लॉक यहाँ पे डाल देना होगा। जैसे पैटर्न लॉक डालने के बाद फिर से आपको रीसेट पे क्लिक कर देना, बस दैट्स इट। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, फिर से नेटवर्क बंद होगा, फिर से चालू होगा, और देखना इतना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलेगा जियो और यहाँ पे एयरटेल सिम कार्ड के अंदर जो मिलता है ना, BSNL के अंदर भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप इस वीडियो को देखने के बाद, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 100% वर्किंग है, जो मैं खुद यूज कर रहा हूं, मेरे मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं चल रहा था, यहाँ पे ठीक हो चुका है। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे लॉट पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों में अपने, क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।